वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हरेंद्र रात, हम जब ब्रेक पे गए थे तो हमने आपसे कहा था कि हमारे और मेहमान भी हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे, और मारिया के साथ हमारी जो गुफ्तगू रही है उस पर अभी सच झूठ का अब सही असल में होगा। जब दो खवातीन होंगी और एक मैं बंदा बीच में, तो पता चलेगा झूठ कौन बोल रहा है, और आपने वही रिस्पॉन्स रखना अपना, झूठ और सच। और अब मैं कहूँगा नहीं कि आप बताइए, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये सेंस आ गया होगा कि कहाँ जा रही हो तुम, फिर बगैर पूछे निकलेंगे घर से बाहर। चलो बाबा, बाबा जाओ घर में जाओ। और इतनी तुम बड़ी हो गई, इतनी लंबी, तुम दुपट्टा क्यों नहीं लेती? तो खातून दादा, हम उनसे सारी बातें पूछेंगे, आपके सामने पूछेंगे। हमारी बड़ी इस वक्त जो है एक खुशकिस्मत यह है कि हमारे पास बड़े टैलेंटेड लोग इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं, तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे यासरा रिज़वी। आपको मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप तशरीफ लाएं, आपका शुक्रिया। आपसे पहले हमारे पास जाहिर है एक आपकी तो बहुत ही सीनियर है। इतनी भी सीनियर नहीं है मेरी। क्या मतलब? मतलब सिर्फ काम में सीनियर है। मैंने तो आप क्या मशीन में ना लेती हैं, जहाज बनाती हैं, हेलीकॉप्टर खोल लेती हैं, मैंने क्या चीज है जिसमें आप इनसे ज्यादा सीनियर? आपने कहा इतनी भी नहीं है। मैंने ज्वाइन थोड़ा लेट किया है, लेट किया है एक्चुअली, लेकिन फन आपके अंदर था। हाँ तो ये हाँ नहीं जी बोलते जी बोलते हैं। ये मेरे साथ वही हो रहा है यहाँ पे जो मेरे साथ सेट पे होता रहता है। ये एग्जाम देखें क्या होता है आपके साथ, मुझे बताइए, प्लीज बताइए, मैं नहीं होने दूंगा। मारिया जो है वो बहुत पॉलिश करने पे यकीन रखती है। नाइट आप तो पॉलिश करती है। अरे आपका नहीं, ट्रेनिंग पॉलिश, ट्रेनिंग पॉलिश जो आए हैं आपको। हाँ, मुझे लग रहा है आपको बहुत एक्टर समझ रहे हैं, इनको थोड़ा सा पॉलिश जरूरी होती है, बल्कि वो पता है ये जी हाँ वाली बातें ये तो जरूरी है सीखना। नहीं जरूरी है ना, ये हाँ हाँ नहीं अब देखिए। हाँ ये आप सही बात बता रहे हैं ना जी। मैं तो सही बात बता रहा हूँ, आपको बोलने जी आप बोले हाँ। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारा प्रोग्राम देखते हैं 3 साल के, उन पे क्या असर पड़ेगा? तो यही जो आप बात कर रहे हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड में चाहती हूँ कि हमारे सेट पे भी बरकरार रहे, सेट पे आए जी। हाँ जी 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 हाँ बोला आपने। एक्चुअली मेरा कहका भी बहुत दिलखराश था जो मारिया ने टोन डाला। आपका कहका ऐसा है कि अगर कोई आदमी कभी वजीफा पढ़ता तो समझे शायद जिन हाजिर हो गए। शादी हो गई आपकी? वो शादी पता नहीं, टाइम रह जाए पता नहीं। बोले पता नहीं, नहीं हो गई है। मैंने कहा वो शादी क्या जो कायम रह जाए। सहेलियां कैसी मिली आपको? सहेलियां फ्रेंड्स, सहेलियां भी बहुत अच्छी मिली। सहेलियां भी बहुत अच्छी अच्छी मिली। कोलीग्स कैसे मिले, काम कर रही हैं आप? काम पे कोलीग्स, ये वाला काम जो अभी फिल्म वक्त है, ये जो काम आप वाला दिखा रही हैं, मैं यार एक्चुअली ये भी बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा? हाँ हाँ, फिर हाँ जी 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 जी, क्योंकि बड़े साफ साफ सुथरे से लोग हैं। मारिया के साथ काम कर रही हैं? हाँ। टफ कंपटीशन है, तो बड़ी कमाल की आर्टिस्ट है यार। एक तो मैं मारिया से कभी कम्पीट कर ही नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कभी मारिया से कम्पीट करने का। खुद कौन सा रोल पसंद है आपका करने का? दिल करता है कि ये रोल कभी मिल गया इसे करके बताऊंगी। मुझे एक्सट्रीम ओल्ड एज जो है वो प्ले करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें वॉइस है, बॉडी है, इसमें ऑल्ट्रेशन करना, मेरे ख्याल में बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज प्ले करना ना, जैसे 80 साल, जैसे बदर खलील ने भी जमालों का कैरेक्टर किया था बहुत शुरू में अपने करियर के, बहुत शुरू में, व्हेन शी वाज वेरी यंग, तो वो मुझे वो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। फिल्मों में जाने का शौक है? फिल्में डायरेक्ट करने और लिखने का शौक है। मतलब इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत रहेगी उसको भी आप बेड़ा कर रखते हैं। इंडिया में कभी जहन बनता है कि यार इंडिया में कौन आर्टिस्ट है यार, ये फीमेल है, ये है कमाल भाई, इस पर तो बस खत्म है। खातून अदाकारा? हाँ, इतना सोचे नहीं, इंडिया में बहुत हैं। शबाना आजमी आई वुड से मुझे बहुत पसंद रही। हाँ, नहीं वो आपको नहीं पसंद है, दुनिया को पसंद। हाँ, परसोना, अगेन मुझे परसोना बड़ा मैटर करता है एक्टर का, कि वो आता है तो स्क्रीन पे क्या बदल जाता है। शायरी से दिलचस्पी आपकी है, मैंने हमेशा आपको देखा है। जी जी। आशार अभी मैं एक दिन देख रहा था, अभी प्रोग्राम चला था उसमें अय्यूब खाबिर साहब के साथ एक ट्रिब्यूट कर रहे थे, मैंने देखा वो शो इतवाक, क्योंकि मेरा भी उनके साथ ताल्लुक है और अमजद भाई भी उसमें बैठे थे और हमारे कुछ और दोस्त भी थे, तो मैं उन्होंने मुझे भी दिया था शायद वो प्रोग्राम। बानो कुछ पे था या खाबिर साहब? नहीं, खाबिर साहब पे था।
तो उसमें आपका फोन आया था, कॉल आपकी आई थी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आपको दिलचस्पी है शेर शायरी से भी होगी 100%। जी बिल्कुल बिल्कुल है, वो अलग बात है कि जब मुझे कोई कहता है कि जी शेर सुनाए तो मैं उसकी नसर कर जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये जसारत नहीं करती, लेकिन जाहिर है मैंने पढ़ा भी है और मैं पढ़ती भी रहती हूँ। मुझे फैज बहुत पसंद है, फैज की मुझे एक जो बात पसंद है वो ये जो है ना, जिस तरह उन्होंने रेवोल्यूशन के साथ रोमांस किया है ना, बिल्कुल इनकलाबी, इनकलाब है, और वो टाइम्स मेरे ख्याल में वो खत्म ही नहीं हुए हैं, आज भी वही दौर है। अच्छा एक बात आपसे सवाल रहेगा, ये औरतें ज्यादा झूठ बोलती है या मर्द बोलते हैं, सही बताएं? मर्द। मर्द। अरे किस अजीब से मर्द ही प्यार, मर्द यार, मर्द आप प्यार से भी कह सकते हैं मर्द, उसमें गुस्सा, जितनी जोर से झूठ बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे ना मर्द। मर्द। अच्छा किस मर्द का झूठ आप फौरन, किस किस्म के मर्द का झूठ फौरन पकड़ लेती हैं? मैं अपने छोटे भाई का झूठ फौरन पकड़ लेती थी, क्योंकि आप उसको जानते हैं। अच्छा भाई पे रखा हुआ सारा तजर्बा जो वो करता है, आप समझती हैं सारे मर्द ऐसे होते हैं? नहीं, तजर्बा भाई पे नहीं है, लेकिन उसका वो पकड़ा जाता है ना, वो पकड़ा जाता है बेचारा, उसका झूठ पकड़ा, छोटा है जी, छोटा है, तो फिर तो उसका मार के ही पूछ लेती होंगी झूठ बोलो झूठ बोलो, या आप होंगी इस टाइप की, या सच होगा तो उसको भी झूठ करवा देगी ये, जैसे हमारी पुलिस मार, जैसा मैंने इनका देखा ना इनको, अभी मैं फर्स्ट टाइम मिला हूं इनके साथ, जी, जी, जी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इनका प्यार का भी यही स्टाइल होगा और यही झगड़े का बाइस होगा, प्यार करते हो ना, बोलो ना प्यार है कि नहीं है, ऐसे तो कोई भी आदमी जिसका बटन बटन टूट जाएंगे वो यही बोलेगा मैं नहीं कर रहा ऐसा प्यार, मिजाज जारहाना है, जा रहे हैं आपकी ज्यादा रिहाइश जलसो जुलूसों में रही होगी, गाने से दिलचस्पी है, खुद गाने की अच्छा गाती है, नहीं अब तो कसम से मुझे बता, सर मुझे बता, बहुत अच्छा गाती है, दिस इज व्हाई यू ब्रॉट मी टू द शो, या ये सारी बातें भी आपसे करा ली, गाना भी आपसे गवा लिया, तो फिर देखे ना, फिर अब तू शॉपिंग भी करवा लेना, यही रह गया कि मैं तुझे शॉपिंग भी करवा लूं। खुद नजरात हमारी ये जो गेस्ट हैं आप हमारे सामने जिस तरह जो बैठी हुई है, इनके बारे में हम अपने ईमेल पर आपको बताएंगे, और आपने इनके बारे में दवाइयां बतानी है कि कौन सी टेबलेट खाने से इनकी कैफियत ठीक हो सकती है, आवाज अच्छी हो सकती है, इनका सच सच कैसे, इनके इनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं अब तक, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये मजाक कर रही हैं, सीरियस हैं, हंस रही हैं, या इन्होंने आज दवा नहीं खाई, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। हज़रात हमारी नई वजीर आज़म आपसे खिताब फरमाएंगे, मेरा पहला कदम होगा वो बिजली जो नहीं है उसको मुफ्त कर देना, बिजली मुफ्त, बिजली मुफ्त, मुफ्त करंट पड़ रहे हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर साहिबा बिजली मुफ्त कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी कौम खंबे भी नहीं छोड़ेगी। ब्रेक ब्रेक से हम वापस आ गए, एक आपसे सवाल करता हूं जी, ये जो आप कर रही हैं आप उसमें आप क्या कैरेक्टर कर रही हैं मलके आलिया में? ओहो हो, आप कह रहे हैं ना ये बहुत बोलती है उस प्ले में, मेरे ख्याल में ये उसकी कसर निकाल रही है, इसलिए कि उसमें इसका एक बहुत मजलूम रोल है और ये कुछ नहीं बोलती, ये चेहरे से मजलूम लगती नहीं है, तो चंगेजी फेस है, टीवी पे लग जाती होती हूं वैसे। अच्छा टीवी पे मजलूम तरीन जो है ना इसका रोल है, क्या है आपका रोल, क्या है आपका रोल? मैं इनकी देवरानी होती हूँ और क्योंकि इनका पूरा राज है घर पे, तो मैं लाई ही इसलिए जाती हूँ स्पेशली क्योंकि हर फैसला इनके हाथ में, ताकि मुझे दबा के रखा जाए। हाँ, तो ये कैरेक्टर है, तो उसमें वो थ्रू आउट उस कैरेक्टर की प्रोग्रेस ही है, एक ऐसे हम चाहते हैं उसको प्रोमो के तौर पर, एक मुकालमा आप बोल दे एज ए प्रोमो, प्रोमो हो रही जैसे, और एक आप बोल दे, याद तो होगा आपको अभी ताजा काम है जी, मलका भाभी आपने बुलाया था? हाँ वो मैंने तुम्हें कहा था ना नाश्ता बना के सबको खिला देना, तुम्हें किया कि नहीं किया? जी कर दिया, वो रिदा नहीं उठी अभी तक, पता नहीं क्या खाएगी नाश्ते में। रिदा वो ही खाएगी जो वो रोज खाती है, हर एक ही बात तुम्हें बार बार बतानी पड़ती है, चलो जाओ तुम, बहुत काम पड़े हैं अभी, जाके करो जी। ये तो बहुत दफा बोला है ना, कुछ भी मुझे याद है, इतना बड़ा कैरेक्टर आप कर लेंगी?
किया। मैं कह रही हूँ ना, वो सारी कसर आप इसमें पूरी हुई आपकी। अच्छा अच्छा, ये आपने जो ये रोल किया है, जाहिर है एक उसमें अपॉर्चुनिटी आपको है, आप उसमें, और कुछ औरतों में होती भी है, ये नेचर भी होती है औरतों में कि मेरा अपर हैंड हो हर जगह, ससुराल में भी और सब जगह, तो वो आपको मेरा मतलब है इजी लगता है औरतों को ऐसा कैरेक्टर करना? हाय विश होती है उनकी? नहीं, विश तो मेरे ख्याल में सबकी होती है, लेकिन करने का या कंट्रोल करने का या वट एवर यू वांट उसको ट्रांसलेट करने का तरीके अलग अलग होते अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात। माशाल्लाह ये सारे ड्रामे देखे, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी आगे गई है, और उसमें से एक चीज और अच्छी हुई है कि उसी ड्रामा इंडस्ट्री में से लोग निकले हैं और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गए हैं जी। अब वही लोग फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा ही गुड साइन है कि खवातीन बड़े बड़े काम कर रही हैं। और एक हमारे पास मिसाल थी इसके अंदर मोहतरमा फातिमा जी ना, जिन्होंने खातून होने के बावजूद कादम के साथ बहुत काम किया और हमारी जो आज़ादी है उसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा। फिर उसके बाद जो मैंने खातून को काम करते हुए देखा, वो बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिन्होंने बहुत काम किया, नो डाउट उन्होंने, और वो इतनी पावरफुल भी थी, अल्लाह उनको पाकवरदिगार गरीब रहमत करे। वो अब देखना चाहते हैं पब्लिक सारी, जो ने कभी खवातीन में से कोई ऐसी क्यादत आए, तो क्या आप, अगर आप मिसाल के तौर पे हैं, सपोज ये सारे करेक्टर कर रही हैं, लेकिन आपको अगर रियल लाइफ के अंदर करेक्टर करना पड़ जाए, करेक्टर क्या करना पड़ जाए, जिम्मेदारी आपके शोल्डर पर आ जाए और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान की, और ये हम ये सबके साथ करते हैं कि हम देखना चाहते हैं किस हमारे आर्टिस्ट के अंदर ये सलाहियत है जो कौम की क्यादत कर सके। ख्वाजिन हजरात, मैं आपके सामने ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ इंतहाई खुश सुलूवी के साथ कि हमारे यहाँ नए प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि आपको वहाँ ले चले जहाँ वो खिताब कर रही हैं। तो आइए ख्वाजिन हजरात, चलते हैं सबसे पहले उस कौमी तराने की तरफ जिसे सुनकर हमें खून की गर्दिश हमारी जो है ना वो तेज हो जाती है। तो आइए नए वजीर आजम के खिताब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस मनसब को संभालने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करना चाहूंगी वो है दहशतगर्दी को खत्म करना, बिकॉज मुझे ये लगता है कि हर चीज इससे रिलेटेड है हमारे मुल्क में, चाहे वो एजुकेशन हो, महंगाई हो, काम हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ दहशतगर्दी से रिलेटेड है। तो मैं समझती हूँ कि मैं सबसे प्रायोरिटी इसको दूंगी, एंड अपने अपनी टीम के साथ, आई नो कि ये बड़ी प्रेशर वाली जॉब होती है और ये आसान नहीं है कुछ डिसीजंस लेना इसमें, लेकिन कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़े तो लेकर सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना मेरा काम है। हमारी नई वजीर आजम आपसे खिताब फरमाएंगे। मुल्क के हालात देख के वजीर आजम साहिबा की हंसी निकल गई है, वो जहनी तवाजुन खो बैठी हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा वो कौम से क्या कहें, फिर भी हम उनको दोबारा उनको कहते हैं प्लीज आप कुछ कहें, आपके शोल्डर्स को बहुत बिग रिस्पांसिबिलिटी है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आवाम का जिसने वोट देकर मुझे इस मनसब पे फाइज किया। लेकिन मेरा पहला कदम होगा वो बिजली जो नहीं है उसको मुफ्त कर देना। बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त करंट पड़ रहे लोग। प्राइम मिनिस्टर साहिबा बिजली मुफ्त कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी कौम खंबे भी नहीं छोड़ेगी। गुस्सा भी मुझे कभी कभी ज्यादा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा। गुस्सा ये तो हर खातून में निकलेगा, ये कोई खातून मुझे नहीं लगता खुश इखलाक हो। तो इस वक्त हम बैठे हुए दो ही खातून खवातीन हैं। तो आपने ये फैसला कर लिया कि हम में से कोई खुश इखलाक नहीं? मतलब ये आप लोगों ने तो एक एक आदमी पे फैसला कर लिया कि मर्द बड़े झूठे होते हैं। हम लोगों ने कौन से 2,000 आदमी आजमाए हैं।
साहब हमारा दूसरा एक मसला, मिसाल के तौर पे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और उसको पता होता है कि उसमें गलतियां क्या हैं, खामियां कौन सी हैं उसके अंदर और खूबियां क्या हैं, ये भी उसको पता होता है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा स्विच करते हैं और ट्विस्ट करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आप जाकर के तीन मारिया की खूबियां बताइए और तीन मारिया की खामियां बताइए। खामियां अपनी अपनी खुद बता देते हैं, खूबियां एक दूसरे को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, खामियां खूबियां दोनों बतानी पड़ेंगी, उसको पता ही नहीं होंगी। नहीं, मुझे पता नहीं होगी, बाकी नहीं होगी। अच्छा, फिर अपना अपना बताएं, ठीक है। आप लोग डर गए आपस में। नहीं नहीं नहीं, खूबियां बता सकते हैं, इतनी इंटरेक्शन। खूबियां में तो सभी खुश होते हैं यार, असल बात तो अंदर की बात पता करना है। अंदर की बात उसको नहीं पता ना। नहीं पता, इसको आप पहले भेजें। मुझे पहले भेज। यू आर जूनियर, प्लीज गो फर्स्ट और द रैगिंग विल स्टार्ट। अगर आपके अंदर तीन खूबियां हैं तो बता दें। मैं नरम दिल हूं बहुत, एज इन इंसानियत का दुख है मेरे दिल में। दूसरी खूबी मुझ में यह है कि मैं सच का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ, सदाकत पसंद हूं। हाँ, दूसरी, तीसरी जी, तीसरी है कि मैं भरोसे के काबिल हूं, मुझ पे एतमाद किया जा सकता है। आप पे एतमाद किया जा सकता है? हाँ। ये खूबी है, खामी है? जी खूबी है। अच्छा, आपकी खूबी है, हमारी खामी हो गई है। सही है। चले, अब आपने बतानी है खामियां। खामियां ये कि गुस्से की बहुत तेज हूँ। गुस्से की तेज हूँ। गुस्से की तेज हूँ, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा वाला आ जाता है। ठीक है, मुझे इतना क्यों डिटेल से बता रही है? ठीक है, मैंने इतबार कर लिया। दूसरा ये कि मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, वो तो हमने पता चल गया आपकी बातों से। और तीसरा ये कि एक ही घर में नहीं रह सकती। नहीं। अच्छा, मेरे से डाइट और एक्सरसाइज नहीं होती रेगुलर बेसिस पे, तो मैं कभी पतली नहीं हो सकती। सुन ले भाई, तमाम खातिन हजरात, ये पतली नहीं हो सकती, जिस किसी के पास ऐसी साइंस है वो इनको आजमा सकते हैं। थैंक यू मिस अपना प्राइम मिनिस्टर साहिबा यसरा। खातिन हजरात, हमारी न्यू प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने स्पीच के बाद आईने के सामने खड़े होकर अपनी तीन खूबियां और तीन खामियां बतानी है खुद। आपका टाइम शुरू होता है अब। खूबी मुझे लगता है मुझ में ये है कि आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड आई एम वेरी प्रैक्टिकल। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है दैट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। और प्लस मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेशनेबल नहीं हूँ, इन द सेंस दैट बहुत जल्दी किसी चीज से इंप्रेस नहीं होती जब तक उसके अंदर कोई बहुत सॉलिड उस चीज का वो ना हो। कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लगता है, वो भी आप जरा आजमा के देख लें। अच्छा, ठीक। अच्छा, और जो बुराइयां हैं जो लिस्ट में से मुझे इस वक्त याद है, एक तो या मैं मूडी बहुत ज्यादा हूँ, दूसरी चीज गुस्सा भी मुझे कभी कभी ज्यादा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा। गुस्सा, ये तो हर खातून में निकलेगा। ये कोई खातून मुझे नहीं लगता खुश इखलाक हो जो इस वक्त हम बैठे हुए, दो ही खातून खवातीन है। तो आपने ये ये फैसला कर लिया कि हम में से कोई खुश इखलाक नहीं है? मतलब ये आप लोगों ने तो एक एक आदमी पे फैसला कर लिया कि मर्द बड़े झूठे होते हैं। तुम लोगों ने कौन से दो दो हजार आदमी आजमाए हैं? और मैं कभी कभी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है जिसको थोड़ा सा कर्व करना जरूरी है। ये खामी है, बहुत ज्यादा इमोशनल होना, बहुत ज्यादा अपने आप को ये मतलब यानी कि जाहिर कर देता है इमोशनल आदमी अपनी फीलिंग्स को, और उससे निकल जाता है उसकी जबान से बातचीत। उनकी डिटेल बताई जा रही है आप मेरी डिटेल पे बहुत। उनकी तो ब्रीफ बात भी कर रही थी तो खुद डिटेल तफसील में चले गए आप। क्यों भाई, ये बात देखिए, गैर मसावी तरीके का। गैर मसावी कोई नहीं है। आप लोगों ने बताया कि जी आपने एक आदमी की वजह से पूरे मर्दों को कहा कि वो झूठे होते हैं, फला होते हैं। नहीं, तो मैं तो आप दो एक की वजह से नहीं कहा, ये तो आपने अज्यूम कर लिया, अपने तजुर्बात से बताया। इन्होंने तजुर्बात से बताया, इन्होंने एक ही पे बताया। नहीं, वो तो आपने अज्यूम कर लिया, उससे आगे बात ही नहीं गई, हम कहीं और चले गए। मर्दों को बुरा कह रही हो और बाल भी उसी दुकान से कटवाती हो जहाँ से मर्द बाल कटवाते हैं। किस्सा कहानी कुछ और है मुझे। किस्सा कहानी कुछ और। खाद में आज हमने एक इसमें जो बात
पैदा करने की कोशिश करी प्रॉम के, ये मर्द झूठे होते हैं या औरतें झूठी होती हैं? देखिए मेरा ख्याल है दोनों झूठे कि दोनों ही एक दूसरे से मसलतन झूठ बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि जब हम घूंघट उठाते हैं तो हम जिंदगी का पहला दिन होता है और हम उस दिन जो सुहाने सपने उस औरत की आंखों में भर देते हैं और फिर हम उसे पूरा नहीं करते, मेरा ख्याल है कि वही फिसाद की जड़ होती है। और अगर हम सही तरह बता दें कि जी मेरे पास 5,000 रुपए आते हैं या 20,000 आते हैं, 1,00,000 आता है, जो भी आता है, और अब उसको तुमने ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे उसको खर्च करना है, तो शायद बीवियां इतनी लंबी फहरिस्त ना बनाए क्योंकि उनको अपनी लिमिट का पता लग जाएगा। क्योंकि हम कह देते अरे नो प्रॉब्लम, गाड़ी कल होगी, बस खत्म, सो जाओ आराम से। अब ये जो चीज होती है ये औरतों को खौलाती है, फिर हर गाड़ी को देख के कहती है शायद ऐसी होगी शायद ऐसी होगी, और वो ले आते हैं वैसी अजीब सी गाड़ी। तो इस तरह घरों में झगड़े होते हैं, कपड़ों पे होते हैं, मेकअप पे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं एक घर को बनाती औरत ही है, वो माँ होती है, वो माँ होती है हमारी जिंदगी में। हम अपनी माँ को देखते पहले घर बनाते हुए, फिर हम अपनी बहनों को देखते हैं, फिर अपनी बीवियों को देखते हैं, उनको हम देख करके हमें लगता है कि घर संभालने वाली यही लोग हैं, इन्हीं को घर संभालना चाहिए।